काबुल के गुरुद्वारे में आतंकी हमला हुआ है। बंदूकधारियों ने गुरुद्वारे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। दो हमलावरों को तालिबान सैनिकों ने घेर लिया है। 7 से 8 लोगों के अंदर फंसे होने की खबर सामने आ रही है। गुरुद्वारे के गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, काबुल के गुरुद्वारे में किस तरह से आतंकी हमला हुआ है। और जो चिंताजनक खबर यहां से सामने आ रही है वो ये कि कई लोग इस गुरुद्वारे में शरण लिए हुए हैं और इस गुरुद्वारे के अंदर फंस गए हैं इस आतंकी हमले के बाद। काबुल के इसी गुरुद्वारे की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ताजा जानकारी यह भी मिल रही है कि तालिबान फोर्सेस यहां पर आतंकियों से मुकाबला कर रही हैं और दो हमलावर, दो आतंकी जो हैं, उन्हें तालिबानी सैनिकों ने घेर लिया है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि 7 से 8 लोग इस गुरुद्वारे के अंदर फंसे हुए हो सकते हैं। हमले के अंदर कितने लोग गुरुद्वारे के अंदर घुसे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुसाफिरों के अलावा 10 लोग गुरुद्वारे में कुल थे। गुरुद्वारे के ग्रंथी थे, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश किया गया था जब ये हमला हुआ। वहां बम ब्लास्ट भी हुए हैं, अभी भी फायरिंग वहां पे चल रही है। मेरी गुरुद्वारे के प्रधान से और बाकी लोगों से बात निरंतर हो रही है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ पा रहा। दहशतगर्दों के कब्जे में गुरुद्वारा और वहां पे खूब ब्लास्ट किए जा रहे हैं और फायरिंग की जा रही है। हम सब परमात्मा से, वाहेगुरु से यही अरदास करते हैं कि सब तो सुरक्षित रहे और गुरुद्वारा वापस हमारे लोगों के हाथ में आए, इसकी हम सब लोग कामना करते हैं, अरदास करते हैं।